हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। आपको गणित के पेपर में स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसके आपको उत्तर ओएमआर शीट पे देनी है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। खंड अ में आ जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है, उनके लौसपा गुणे मौसपा के बराबर होता है। ठीक है, हमें एक संख्या, पहली संख्या 12 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम 60 दे रखा है और एचसीएफ 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आप, ये 12 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 × 3 यानी कि 5 × 3 = 15 हो जाएगा आंसर। उत्तर कितना होगा, 15। क्या ऑप्शन में आपको 15 दिख रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं एक शून्यत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या जैसे 2 ले लिया और अपरिमेय संख्या ले लिया √3, किसी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही हमें मिलती है, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण ये और ये के हल कैसे होंगे। तो हल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा अनुपात, a1/a2, एक्स का गुणज कुछ नहीं है तो 1, दूसरे वाले का क्या है, एक्स का गुणज 4। फिर निकालो b1/b2, देखो इसका गुणज है 2 और इसका गुणज है 8, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर निकालोगे c1/c2, c1 है 5 और c2 है −20। ठीक है, चिन्ह के साथ रखना है, तो 5 × 5, 5 × 20, तीनों अनुपात हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं क्या होता है मेरे भाई, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो क्या होता है, संपाती रेखा होती है। ठीक है, संपाती रेखा होती है और क्या होता है, अनेक हल होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, अनेक हल होते हैं। तो देखो, केवल एक अद्वितीय हल गलत, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, सबसे छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 70 5 देता है और 125 8 देता है, तो उन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मौसपा एचसीएफ निकालना है। 70 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 65, और 125 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 117, यानी कि आपको 65 और 117 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। गुणनखंड करो, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो यहाँ आ जाएगा 13 × 13, 117 गुणनखंड करोगे, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9 और 13 × 13, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते हैं, तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 13 और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 है 2 बार, 13 है 1 बार। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 13, और जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 13। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, 3 × 6 = 9 = 12 = 15, इनको जोड़ देना है। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ देना। अगर 3 उभयनिष्ठ निकालोगे तो अंदर आ जाएगा 3 × 3 = 2 × 3 = 4 = 15। तो अगर आप जोड़ना आपको आता ही होगा, 7 और 3 = 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 × 3 =
45 45 होगा, सिंपल। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं ये जो समीकरण आपको दे रखा है द्विघात समीकरण है, इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं? विभक्तिकर दे रखा है तो पहले विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी क्या होता है, ए क्या होता है, ए आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणज जो कि 2 है, बी क्या होता है एक्स का गुणज जो कि माइनस के 4 है, और सी हमारा क्या होता है अचर पद जो कि हमारे पास 3 है। रखो माइनस 4 का वर्ग 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 चौके 16, 4 2 8, 8 3 24, 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8। तो ऑप्शन में आ जाओ, दिए गए समीकरण के विभक्तिकर 0 से कम है, सही कथन है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि डी का मान माइनस में आए, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, बी कथन भी सही है। समीकरण के विभक्तिकर 0 है, गलत। समीकरण के मूल वास्तविक है, गलत। वास्तविक तभी आता है जब डी का मान धनात्मक हो या 0 हो। अब ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही है, ए और बी सही है, तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, ए ओ बी सी एक आयत है, आयत जानते हैं ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। यह है ए ओ बी सी, हमें ए दे रखा है 0.3, ओ दे रखा है 0.0, बी दे रखा है 5.0, ठीक है, सी दिया ही नहीं है, विकर्ण निकालना है। तो ए बी हमारा क्या हुआ, विकर्ण हुआ, ए बी क्या हुआ मेरे दोस्त, विकर्ण, और ए बी का मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, यही होता है ना। यहां से देखो x1 कितना है 0, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और x2 कितना है 5, y1 कितना है 3 एंड y2 कितना है 0, तो 0 में से 5 घटाओगे माइनस के 5 आ जाएगा, 3 में से 0 घटाओगे 3 आ जाएगा, माइनस 5 का वर्ग 25, 5 बजे 25, 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा √34, √34 मात्रक आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या होगा? जो मूल होता है मेरे भाई वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप क्या रखो, 1/2 रखो और फिर हल करो, देखना आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, x के जगह पर रखना 1/2, ठीक, k x के जगह पर रख देंगे 1/2। देखो एक का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, के एक कम के बट्टे में है 2 और ये 5/4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, संख्या को एक तरफ ले जाऊँगा, माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 5/4, और 1/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दोनों के बट्टे में 4 है, लॉस ऑफ पावर्स वही रहता है जब नीचे जो होता है समान होने पर, और फिर ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि नीचे सेम है, 4/4, 4 * 4, तो k/2 1 के बराबर है, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तिरछे गुणा करोगे, k * k, 2 * 2, तो k का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, उपर्युक्त दोनों, तो उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, ठीक है, उपर्युक्त दोनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आ जाओ, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज हमारे पास ना एबीसी है, ये ए बी सी, सी कोण हमारा 90 है,
अच्छा जिसको ढंग से बनाना था फिर ढंग से बनाते हैं। सी को 90 है हमारे पास, हमको सी को 90 दे रखा है, सी 90 है, सी यहाँ 90 हो गया तो यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि बी सी 4 है, 4 सेंटीमीटर, और ए सी हमारी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा हमसे क्या बोला, सी से जाने वाली माध्यिका कितनी होगी, सी से जाने वाली माध्यिका इस पे आप लंब डालोगे तो ये माध्यिका कितनी होगी, ये आपको बताना है। सो देखो सी डी नाम दे दे इसका, तो आप देखो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए सी बी ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, बड़ा वाला भी समकोण त्रिभुज है, छोटा वाला भी समकोण त्रिभुज है, माध्यिका डालने पर यहाँ लंब आता है। ठीक है, लंब बन जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उनकी संगत भुजा आपस में समान होती है। तो देखो इसका जो ए बी होगा, ठीक है, आई थिंक प्रेजेंटेशन सही है ना हमारी, इसका जो ए बी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1 है। ठीक है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सो ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में 1 दे रखा है। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी वर्ग कर दिया इधर भी वर्ग कर दिया, अब इसको खोलोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो गया। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सर्वसमिका है 1 होता है। ठीक है, और ये प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस के 2 साइन थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना क्या है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान निकालना है। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी वर्क कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। खोलो ए का वर्ग बी का वर्ग, और यहां से आ जाएगा 2 ए बी, और इधर है 1। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पावर में 2 है ना, एक पावर को यहाँ रख देते हैं साइन थीटा और एक पावर को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान मालूम है कितना है, 0, और किसी भी संख्या को जब आप 0 से गुणा करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 गुणा कुछ भी करोगे, कुछ भी क्या है, 0 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, और बराबर किस तरफ क्या है, 1, तो ये तो हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या से जब आप 0 घटाते हो तो वही संख्या हमें मिल जाती है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1। कोई डाउट है या दिक्कत है, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं साइन 2 है, 2 साइन ए के बराबर है, कब होगा। देखो अगर मैं ए 0 डिग्री ले लेता हूँ, हमारे पास क्या है, साइन 2 ए 2 साइन ए के बराबर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ए की जगह पे मैंने 0 लिया है,
जीरो लग देता हूँ। तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो। 2 × 0 = 0, तो बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष। अगर आप ए का मान जीरो लोगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे 4 tan θ का मान 3 है, तो 10 θ का मान क्या हो जाएगा, ये तो 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, किसका मान, 4 sin θ -cos θ बट्टे में 4 sin θ +cos θ। ठीक है, तो हर एक के बट्टे में cos थीटा से भाग दे दो, जो काम कर रहे हैं दोनों के दोनों में कर रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 θ। ठीक है, और कॉस से एक कम कॉस, ये आ जाएगा नेगेटिव के एक माइनस, नीचे भी सेम चीज़ आ जाएगी 4 tan θ, और ये हो जाएगा प्लस के माइनस। आप क्या करोगे, 10 θ का मान उठाकर यहाँ रख दो, 10 θ का मान है 3/4। ठीक है, फिर आपका देखोगे कि ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 - 1 2, 3 + 1 यानी कि 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा बताइए। तो यहां पर क्या है, सेक ए प्लस 10 a 1 - sin a। ठीक है, यही है ना। अब आप जानते हैं अगर कोई सर्वसमिका लगती है तो लगाओ, और नहीं लगती तो हमें क्या करना होता है, साइन कॉस में बदलना होता है। तो सेक को हम लिखते हैं 1/cos, क्योंकि कोई सर्वसमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदल देंगे। 10 को लिखते हैं हम 1/sin, और ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, बट्टे में कुछ नहीं, तो एक भिन्नों के जोड़ घटाने के रूप में है, लॉस ऑफ ले लो, दोनों के बट्टे में समान है तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है। अब गुणा है, ऊपर ऊपर गुणा होगी, नीचे नीचे गुणा होती है, आप देखेंगे कि ये क्या है, ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक का वर्ग ए स्क्वायर का वर्ग, देखो ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर, ऊपर ऊपर गुणा, कॉस ए को एक से गुणा करेंगे कॉस ए ही रहेगा, एक का वर्ग एक, और साइन ए का वर्ग क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। कई बच्चे ए का भी वर्ग कर देते हैं, एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है। अब ये ऊपर क्या बन गया, सर्वसमिका, 1 - sin² क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, सर्वसमिका है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, कॉस से कॉस कटा, क्या बचा, कॉस है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कॉस ए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त त्रिज्या आर दे रखा है और कोण थीटा दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सुराही आपने देखा है, सुराही कैसा होता है, ऐसा और ऐसा होता है, तो सुराही किस आकार की होती है, गोला प्लस बेलन। सुराही जो होती है एक गोला और एक बेलन के आकार के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य निकालना है। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालना, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 10 नहीं ले सकते, 10 सम संख्या, कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे दो तो 10, ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ऊपर आ गया 5,
25 बट्टे 5 तो 5 बजे 25, तो माध्य कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जितनी संख्या होती है उनको जोड़ देते हैं, और जितनी संख्या होगी उससे फिर भाग दे दोगे। संख्याओं को जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग दे दो। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर पर कि माध्यिका क्या होगी। ठीक है, माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए क्या होता है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है पहले। तो ये पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो एन हमारे पास सम संख्या है। ठीक है, सम होने पे ना मतलब इधर जितनी है इधर जितनी है उसको रहने दो, सम की स्थिति में बीच में दो पद आएंगे, उन दोनों को जोड़ देना है माध्यिका में। 16 और 17 को जोड़ दिया, आधे दो से भाग दे दो, तो 33/2, दो एक कम दो, दो चंग 12, 12 दो पंजे 10, 16.5। अच्छा यहीं पे छोड़ दिया इन्होंने 33/2, आगे हल नहीं किया है। ठीक है, आंसर किया जाएगा 33/2। अगले प्रश्न पे आ जाओ जो हर साल एग्जाम में आता है। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी? एक संबंध होता है इनमें, क्या है वो संबंध, कि जो बहुलक होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है, माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुलक हमें दे रखा है 45, माध्यिका हमें दे रखी है, माध्यिका में निकालनी, माध्यिका को एक्स मान लेते हैं, और माध्य 27 दे रखा है, 27 दुनी 54, माइनस का 54 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 54। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 99, 3 गुणे में इधर के बट्टे में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो माध्यक हमें कितना मिल जाएगा, 33। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जब एक पासे को फेंका जाता है, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 3 से छोटी। देखो जब पासे को फेंकेंगे ना तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 3 से छोटी, 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, एक ही होती है, 3 से छोटी विषम संख्या, प्रायिकता निकालनी है हमें। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, 1, कुल परिणाम कितने है, 6, आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो हमने खंड अ पूरा कर लिया, अब हम आएंगे खंड ब में, जो कि 2 नंबर के होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि सभी खंड करने स्पष्ट कीजिए कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, पहले का कौन नंबर तो दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखवाऊंगा मैं आपको। दिया संख्या क्या है, 3 × 5 × 7 + 7। अब ये देखो 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे, कम से कम 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3 × 5 7 × 7 7 × 7। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 1 = 16। ठीक है, और किसी भी संख्या में गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमें मिल गया प्रथम गुणज, ये हमें मिल गया द्वितीय गुणज, और ये हमें मिल गया तृतीय गुणज। किसी भी संख्या के जब 2 से अधिक गुणज होते हैं तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यही लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि यहां 2 से अधिक गुणज हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है आपको, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं हमसे कि कॉट थीटा 7/8 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है,
देखो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8। हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा गुणे में है 1 - sin थीटा, बट्टे में है 1 + cos थीटा गुणे में है 1 - cos थीटा, यही है ना। अब आप सूत्र जानते हैं पहले से ही, ऊपर a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, नीचे भी उसी रूप में आप जानते हैं a प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे लगाओ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, नीचे भी वही चीज, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर, एक का वर्ग एक और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग एक और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसम्मिक है, जो भी सर्वसम्मिक है सूत्र लगाओगे ना आप साइड में लिख के जरूर दिखाओगे। 1 - sin² थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये रखोगे यहाँ पर तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट, स्क्वायर है दोनों में, दोनों में स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। कॉट थीटा का मान प्रश्न में दे ही रखे हैं 7/8, ये हमने यहाँ रख दिया, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, 49/64। कोई भी अगर डाउट हो तो प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक, घ नंबर में कह रहे, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सो देखो दो घन है समान टाइप के, ये घन है सेम टाइप का, दूसरे घन ये है, ऐसे एग्जाम में चित्र भी बना सकते हो। दोनों घन घनाभ को जब हम जोड़ देंगे ना तो एक घनाभ बनेगा, दोनों घन को जब हम मिला दोगे तो, ठीक है। अगर मान लेते हैं, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, ठीक है, घन की भुजा को a सेंटीमीटर मान लो, यहां से लेकर यहां तक भी a है और यहां से लेकर यहां तक भी a है, तो जो घनाभ होगा लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, क्या होगा a प्लस a होगा। चौड़ाई, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान रहती है, घन की चौड़ाई जो होगी ना वो a ही रहेगी और ऊंचाई भी हमारी a ही रहेगी, सिर्फ घनाभ का जो लंबाई है वो परिवर्तित होता है, ठीक है। तो दिया क्या है प्रश्न में, दिया है घन का आयतन दे रखा है जो कि है 64, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1 / 3, 64 को लिख सकता हूँ 4/3। घातों की तुलना करेंगे, ए का मान आ जाएगा 4, ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। अब घनाभ निकाल लो इसकी मदद से, इसलिए घनाभ की विमा लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी a प्लस a यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 cm, ठीक। फिर चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b, a होगा जो कि होगा 4 cm, फिर आ जाएगा ऊंचाई जो कि होगा h, वो भी a होगा जो कि होगी 4 cm। प्रश्नानुसार क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पार्श्व बोलता तो हम पार्श्व वाला सूत्र लगाते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, मान रखो एल का मान है 8, बी का मान है 4। ठीक है, फिर बी बी का मान है 4, एच का मान है 4, एल का मान है 8। 4 अटे 32, 4 चक्कू 16, 4 अटे 32, 32 32 64 64 और 16 80, 8 दूनी 16 पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब कौन सी विधि से करना ये नहीं बोला है, लेकिन माध्य निकालने के लिए पूछा गया सवाल, तो चलिए करते हैं। तो सबसे आसान विधि है, 2 नंबर में पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि, और उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा वर्ग अंतराल, फिर आपकी बारंबारता, फिर आपकी आ जाएगी वर्ग चिन्ह, और फिर अगला कॉलम आ जाएगा एफ और एक्स का गुणा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। ठीक, तो देख के हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्वेश्चन नंबर ये हमारा ग है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स से, और अगला जो कॉलम आता है और एफ और एक्स आता है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 10 से 20, फिर हमें दे रखा है 20 से 30, फिर दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50, फिर दे रखा है 50 से 60, और दे रखा है 60 से 70। एफ दे रखा है 2 7, ठीक है, और फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है 15 8 और 6। एक्स कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ोगे 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा कर देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 15, सब में कितने का है 10 10 का अंदर है, 10 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 10 जोड़ेंगे 55, 10 जोड़ेंगे 65। ठीक है, अब गुणा करना आपको आना चाहिए, 15 दूनी कितना होता है 30, 25 सत्ते, देखो 25 सत्ते कितना होता है 175, फिर अब आपको गुणा करना है, 12 को गुणा कर दीजिए 35 के साथ, तो यह आता है 420, फिर 15 गुणा 45 है, 15 को गुणा करना है 45 से, तो ये होता है 675, फिर आपको गुणा करना है 55 को 8 से, 440, और फिर आपको गुणा करना है 65 को 6 से, तो ये होता है 390। ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल, तो ये एफ एक्स है, कुल योगफल चाहिए, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और 9 32, 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और हासिल हमारा 1 था, 32 और 1 33, हासिल लगा 3, फिर देखो 4 और 1 5 16 सॉरी देखो यहाँ पर 4 और 1 5 5 और 6 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15 और 3 18 और 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, जोड़ सही हो गया, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, तो ये हो गया 2 और 7, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है, और 15 और 6 हो गया 21, तो 20 20 40, और इधर ये हो गया 50 सिग्मा, ठीक है, मान रख दो सिग्मा एफ, तो ये आ गया 2130 बट्टे में 50, 0 से 0 करना, 213 को भाग दे दोगे किससे, 5 से, तो 5 चक्कू 20, 1 बचा 13 हो गया, 5 दुनी 10, 5 छंग 30, आंसर आ जाएगा 42.6।
ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा। ऑफिशियल क्वेश्चन है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में कह रहे, बिंदु -4.6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये देखते हैं। अंगा नंबर देखो, हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है, ए के निर्देशांक है -6.10 और बी के हमें दे रखा है 3.-8 और एक बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु पी है जो कि -4.6, इसे किस अनुपात में विभक्त कर दिए, मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभक्त कर दिए, जो कि हमें निकालना है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y, ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु। ठीक है, ये हमारा विभाजन बिंदु है, तो हम यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र, एक्स भी पता है वाई भी पता है, एक्स ले लो, एक्स के लिए सूत्र क्या होता है, m1 plus m2 ये होता है। तो देखो एक्स मुझे दे रखा है -4, m1 पता नहीं, x2 है 3, m2 पता नहीं, x1 है -6, नीचे m1 plus m2, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते वही रहता है, 3m1 plus -6m2 और ये हो जाएगा -4m1 -4m2। अब m1 को एक तरफ लेके आओ, ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4m1 और -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6m2, 3 और 4 7m1 और 6 में से 4 घटाओगे 2m2, ये m2 गुणे में है इधर आके बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में है इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 2:7, तो वो जो बिंदु है उस रेखाखंड को 2:7 में विभक्त करेगी। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर पे आ जाओ, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्त पर है। समदूरस्त का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। एक बिंदु जो दे रखा है हमें 3.6, मान लेते ए है 3.6 और दूसरा बिंदु बी है जो कि -3.4 और इसके बीचों बीच एक बिंदु है, मान लेते वो बिंदु पी है जो कि है x, y, समदूरस्थ बोला है। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है कि जो ए और पी होगा वही पी और बी होगा, ए और पी के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, पी और बी के बीच की दूरी के बराबर होगी। ए हमारे देखो यहाँ पे इसमें लगाओगे सूत्र, x1 है 3, x2 की जगह x है, वर्ग y1 है 6, y2 की जगह y है, ये हो गया AP। PB में आ जाओ, x1 हो गया x, x2 हो गया -3, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 की जगह y और y2 की जगह पर है 4, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वर्क करने पर। ठीक है, वर्क करने पे ये अंडर रूट हट जाता है, यहाँ से बचेगा 3 - x² 6 - y² इधर x+3 और इधर y-4। अब हमें इन पदों को खोल देना है, a-b² लगेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और इसमें a+b² खोलो, a² b² 2ab, यहां पे आ जाओ, a² + b² 2ab,
इसमें आ जाओ, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस का 2ab। ठीक, फिर इसमें आ जाओ, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक है ना, ये चीज़ तो कक्षा 6, 4, 5 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है, 3 स्क्वायर है 3 स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर कटा। और भी कुछ है जो कटेगा? नहीं है। तो यहाँ से क्या बचा? 2 3 माइनस का 6x, 6 6 36 और 6 2 12 y, ये बचा। यहाँ से बचा 6x। देखो ये मत काट देना क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का है, समान चिन्ह होने पे कटते हैं। फिर यहाँ से अच्छा चक्को 16 और 4 2 8 y। ठीक है, अब इसको एक तरफ ले जाओ, 6x प्लस 16 माइनस के 8 y, ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का, ये माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 y, और ये प्लस का 36 इधर आके माइनस 36, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे थोड़ा और। तो यहाँ से हो जाएगा 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x, 12 y में से 8 y घटाओगे 4 y बचेगा, 36 में से 16 घटा दोगे माइनस के 20 बचेगा। 4 से 3 तरफ भाग दे दो, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20 और 0 के बट्टे में 4 0। तो ये हमें x और y में क्या मिल जाएगा? संबंध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 4 4 नंबर वाले प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ख। देखो दिया है, जो बहुपद हमें दे रखा है वो दे रखा है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। इसको हमने ढंग से लिख दिया है, ढंग से दिया नहीं था, ढंग से लिख दिया है। अब हमें शून्य निकालना है, शून्य के लिए बहुपद को हम शून्य मान लेते हैं। ठीक है, तो 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर 0। अब नियम क्या होता है कि जो x का गुणज है, जो अचर पद है, उन दोनों की हमें क्या करनी होती है? गुणा। गुणा करो, 6 गुणा 3, 6 3 18, ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर 18 है और यहाँ चलिए देखो घटाने पर क्या आना चाहिए? 7। तो 9 2 18, 9 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 6x² नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, 9x घटाना है 2x, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 9x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब जोड़ा बनाएंगे, यहां से एक जोड़ा यहां से एक जोड़ा, 3 का भागा दोनों में जाएगा, ओपनिस्ट का मतलब वो संख्या जो इसका भागा दोनों में चला जाए, जोड़े वाले में 3 का भागा इसमें भी जाएगा और कम से कम एक्स का भागा दोनों में जाएगा। 3 2 6, 6x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, 3 3 9, एक्स ऑलरेडी बाहर है, चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस लगा दिया। इस जोड़े में से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है तो एक उपनिष्ठ ले सकते हैं और जब एक लेते हैं तो वो चीज़ वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। 2x - 3, जो दो बार उसे एक बार लिखो और जो उपनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। अब इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि 2x - 3 को 0 मान लिया तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3, और ये जो दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, ये पहला शून्य मिल गया हमें। ठीक, फिर आ जाओ, यदि 3x + 1 बराबर 0 तो ये जो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और ये जो 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। ठीक,
शून्य तो हमें मिल गए, इस शून्य को अल्फा बोल दो, इस शून्य को हम बीटा बोल देंगे। अब हमें क्या करनी है मेरे भाई, जांच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जांच। चूंकि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं, ए हमारे पास 6 है। बी क्या होता है, एक्स के गुणज को हम बी कहते हैं, बी हमारे पास 7 है। और सी होता है अचरपद माइनस का 3। पहली जांच करो, पहली जांच है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान हमारे पास प्रश्न में मिला है 3/2 और बीटा का मान है माइनस के 1/3। बी हमारे पास है माइनस के 7 और ए हमारे पास है 6। अब हल करो, 2 3 6 लॉस ऑफ 3 3 9 प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7/6 7/6 दोनों तरफ बराबर है, यानी कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरी जांच करनी हमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, वो होता है सी बट्टा ए। ठीक है, अल्फा का मान हमारे पास था 3/2 और बीटा का मान था माइनस के 1/3। सी का मान प्रश्न में माइनस का 3 और ए का मान है 6। 3 1 कम 3 3 2 6, 3 से 3 घटा, इधर बचा माइनस के 1/2, इधर भी बचा माइनस के 1/2। आ गया दोनों तरफ बराबर, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम किया है और ये जांच भी पूरी हो गई। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 4 नंबर के। ठीक है, ख नंबर पे आ जाओ, 4 नंबर वाला प्रश्न पहला हो गया था, अब ख नंबर पे आ जाएंगे। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। दो संख्या देखो, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को x मान लो, छोटी संख्या को y मान लो। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या ये हमने y मान ली। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाओ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 128 है, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्त में जो बोला है कि अंतर मतलब घटाना, बड़े में से छोटा वर्ग घटाओगे, बड़े वर्ग का अंतर में से छोटे वाले का अंतर घटाओगे तो 180 आता है। समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x का 8 गुना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पर 8x आ जाएगा और इधर है 180, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये बन गया एक द्विघात समीकरण। इसका गुणज कुछ नहीं, देख ऐसी दो संख्या लीजिए, 1 × 180 गुणा करने पर 180 आए और घटाने पे 8, तो क्या होगा 18 और 10, 18 × 180, 18 में से 10 घटाओगे 8 बचेगा, तो 18x माइनस के 10x। ठीक,
माइनस अंदर गुणा कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, एक्स ओपन स्टार जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर निकालोगे, एक एक्स बचा, एक्स बाहर आ गया, यहाँ 18, 10 आ जाएगा ओपनिस्ट, एक्स बचेगा, 10 एक कम 10, 8 बार। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओपनिस्ट निकाला है हमने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं, गुणनखंड बन गया। अब इसको एक बार जीरो मानना है, एक बार इसको जीरो मानना है। यदि एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा। अगर एक्स का मान माइनस का 10 यहाँ रखोगे तो वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है ना तो उसका वास्तविक मान नहीं होता है, तो ये अमान्य हो जाएगा। अब इसको लेना पड़ेगा, यदि एक्स माइनस 18 बराबर 0, तो माइनस के 18 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 18, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या है, 8 गुणा एक्स, एक्स का मान रख दो 18, तो 18 को लिख सकता हूँ 9, 4 गुणा 2 और 9 गुणा 2, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा, जोड़ा बनाना होता है, 4 का वर्गमूल 2, 2 का जोड़ा बना 2, 9 का वर्गमूल 3, 4 3 12, 12 आ जाएगा। 18 8 क्या होता है, 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, और छोटी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, देखिए मेरे भाई, ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का ये व्यास है, वृत्त के व्यास के सिरे पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से खींचा और यहां से खींचा, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी इसका नाम एक्स, वाई इसका नाम यू, वी रख देते हैं, इस बिंदु का नाम पी, इस बिंदु का नाम क्यू, और केंद्र का नाम मैंने ओ रख दिया। हमें सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई रेखा है ये यू वी के क्या होगा, समांतर होगा। हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान प्रश्न है, क्या सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई है वो समांतर है यू वी रेखा के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भैया ये तो स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है, और हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हो कि भैया स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90। स्पर्श रेखा त्रिज्या 90 का कोण बनता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्स पी ओ कोण, एक्स पी ओ ये 90 होगा, और ओ क्यू एन, ओ क्यू एन ये भी 90 होगा, क्यों 90 है, प्रमेय 10.1 से बराबर इसलिए है क्योंकि 90 है अंश दोनों। इसको मैंने इसके बराबर दिखाया और इसको मैं इसके बराबर बता दूंगा, वाई पी ओ, वाई पी ओ जो कोण है वो बराबर होगा यू क्यू ओ के, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अब आप देखो समीकरण 1 तथा 2 से आपने कुछ नोटिस किया कि भैया ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये रेखा है, यानी कि एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं, और एकांतर कोण जब बराबर कब होता है, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो, कक्षा 6 में पढ़ा है आपने, 1 तथा 2 से ये हम देख रहे हैं कि एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है, यह तभी संभव है जब जो रेखा हो वो आपस में क्या हो, समांतर हो, यही तो प्रूफ करना था।
हैंस प्रूट। चार नंबर का क्वेश्चन दो लाइन में सॉल्व हो गया, दो लाइन में सॉल्व, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य वृत्त से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। चार नंबर का प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। देखो मेरे भाई कैसे होगा, क्या बोल रहा है, हमारे पास एक वृत्त है, बाह्य बिंदु ये केंद्र ले लो, बाह्य बिंदु कुछ भी ले लो, बाह्य बिंदु मेरा नाम तारक है ना, मैंने टी लिख दिया। दो स्पर्श रेखा खींचनी है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचने पर उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, ये जानते हो आप, ठीक है। और अगर इसको मिला दें यहां से, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, ठीक है, तो इन कोणों का जो योग है आमने सामने, कोणों का योग संपूरक होता है, यानी कि टी और ओ कोणों का जो योगफल होगा वो 180 लाके दिखाना है। इस बिंदु का नाम मैं ए दे देता हूँ, इस बिंदु का नाम मैं बी दे देता हूँ। देखो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण टी प्लस कोण ओ कितना होगा, 180। संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180। ये सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन है बड़ा आसान। ये क्या है मेरे भाई, स्पर्श रेखा, ये क्या है त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 इंच का कोण बनता है, सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी, तो यही लिखोगे आप यहां पर। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से जो कोण बी होगा वो 90 होगा और जो कोण ए होगा वो भी 90 होगा, यहां पे भी 90 बनेगा और यहां पे भी 90 बनेगा, क्योंकि ए ओ बी टी, ए ओ बी टी ये क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, है कि नहीं। और आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। कोण ए कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण टी, चारों कोणों का युगफल कितना होगा, 360। ए हमें पता है 90 है, ओ हमें नहीं पता, बी हमें पता है 90 है, टी हमें नहीं पता, तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180। कोण ओ प्लस कोण टी इधर है 360, तो कोण ओ कोण टी ये प्लस का 180 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 180, तो कोण ओ प्लस कोण टी 360 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 180। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूफ्ड, आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन जानदार और शानदार हैं। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो गेंद लाल नहीं हो। अंगा नंबर पे आ जाओ, तो देखो दिया है, क्या दे रखा है, लाल गेंद, लाल गेंद है 3, काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितनी है, 3 प्लस 5 यानी कि 8। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है।
तो लाल गेंद लाल को रेड से दिखा दे, पी आर, संभव परिणाम लाल कितना है 3 और कुल परिणाम है 8। तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/8। दूसरा हमसे बोला लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, पी आर डैश बोल दो। तो किसी चीज के ना निकालने की जो प्रायिकता होता है उसको एक में से उसके निकालने की प्रायिकता घटा देते हैं, ठीक। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या थी 3/8, घटा दो एक में से, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लूं, लॉस अब आ जाएगा 1/8, 8 × 1 = 8, 1 × 3 = 3, तो आंसर आ जाएगा 5/8। तो लाल गेंद ना आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/8। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पर, ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन माध्यक, माध्यक हमें ऑलरेडी दे रखा है 28.5 दिया है माध्यक, माध्यक है 28.5, ओके। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो ये जो x है और ये जो y है इसका मान आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ है जो आप नोटिस करोगे कि वर्ग अंतराल सही है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, सही है, वर्ग अंतराल हमारा सही है। तो जब भी बात होती है माध्यिका की या माध्यक की तो हमें संचयी बारंबारता चाहिए होता है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो पहले हम टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर बारंबारता एफ, फिर आ जाएगा संचयी बारंबारता सी एफ, ठीक है। मैं कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, कॉलम हमने बना लेना है। तो सारा काम आपके आंखों के सामने कर रहा हूँ, कोई चीज चोरी छुपे नहीं कर रहे हम, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में कैसे करना होता है, ठीक। देखिए वर्ग अंतराल हमें जो दे रखा है वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। यहां लिखते हैं कुल, जो बारंबारता में दे रखी है 5, फिर दे रखा है x, फिर दे रखा है 20, फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा है y और फिर हमें दे रखा है 5, ठीक है, यही दे रखा है ना, ओके। संचयी बारंबारता चाहिए हमें, देखो इनका जो योगफल है वो 60 बोल रखा है, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे लिखो, फिर 5 में नीचे वाला जोड़ोगे x, तो ये हो जाएगा 5+x, अंकों को जोड़ दो 20 और 5, ये हो जाएगा 25+x, 25 और 15 क्या हो जाएगा 40+x, 40+x और ये y जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40+x+y, फिर ये 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45+x+y, ठीक है। प्रश्न में बोल रखा है कि जो बारंबारताओं का योगफल है वो 60 है, ठीक, इसको हम n से दर्शाते हैं। और आपको पता है इस सारणी में एक नियम होता है, कानून होता है कि जो यहाँ पर होता है वही चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक। तो आप जानते हैं चूंकि 45+x+y 60 के बराबर होगा, प्लस के 45 इधर के माइनस के 45, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक। अब देखो माध्यक हमारे पास कितना है 28.5 है, 28.5 किस सारणी के बीच में आता है, यहाँ पे आता है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, इसी के सामने आ जाओ तो ये हमारा एफ हो गया, जहाँ से हम निकाल दें उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा ये क्या होता है सी एफ होता है, ठीक है। हमारे पास सी एफ ये हो गया, एफ ये हो गया, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है एल, एल कितना हो गया 20, ठीक है, और एच कितना हो गया, सब में कितने कितने अंतर है 0 से 10, 10 से 20, एच हो गया 10, ठीक। तो अब आ जाओ प्रश्न में, चूंकि
माध्यक सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टे दो माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे एफ। माध्यक हमें दे रखा है 28.5, एल हमारे पास है 20, एन हमारे पास है 60 बट्टे दो, सी एफ हमारे पास है 5 प्लस एक्स, और गुणे में एच होता है, एच हमारे पास है 10, और इसके बट्टे में एफ, एफ हमारे पास है 20, 10 × 20 प्लस का 20 इधर के माइनस का हो जाएगा 28.5 माइनस का 20, ये हो जाएगा 30, माइनस अंदर गुणा कर दोगे माइनस 5 माइनस एक्स बट्टे में है 2, घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 8.5 और ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 17, माइनस का एक्स इधर के प्लस का, प्लस का 17 इधर के माइनस का, तो एक्स का मान क्या आ गया 8। एक्स का मान उठाकर यहां रख दोगे तो आपको वाई का मान मिल जाएगा, कितना होगा 7, तो एक्स का मान 8 और वाई का मान 7। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी, ये भी आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा, ये इकाई है ये दहाई है, मैं मान लेता हूँ कि इकाई का अंक एक्स और दहाई का अंक वाई है, माना इकाई का अंक एक्स तथा दहाई का अंक कितना है वाई है, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा, अर्थात संख्या का वास्तविक रूप, देखो ढाई पे y है तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। फिर प्रश्न में बोले संख्या को पलटने पर भी, देखो गाइस अभी ना लाइट नहीं है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आउटडोर, बरसात हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक भी दिखेगा ना क्योंकि लाइट ही नहीं है। संख्या का वास्तविक रूप इतना है तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, पलटने पर संख्या मतलब x की जगह y, y की जगह x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y पलटने पर, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न में, कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, प्रथम शर्त अनुसार, यहां हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या हो रहा है, प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि जो वास्तविक संख्या है 10y प्लस एक्स और उलटने पर जो बनी संख्या है उन दोनों को जोड़ देते हैं तो 66 आता है, तो देखो 10y, देखो ये x और ये 10x क्या हो जाएगा 11x, और 10y और y क्या हो जाएगा 11y, यहाँ से 11 ओबेनिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ से x बचेगा 11 × 11 बार y, 11 गुणा में इधर के बट्टी में आ जाएगा 11 × 66, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 66, समीकरण नंबर ए। अब हम आ जाएंगे द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संख्याओं का अंतर, अब हमें यह नहीं पता है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक, संख्याओं का अंतर बोल दे रखा है 2 है, तो संख्याओं का अंतर 2 है, या तो x माइनस वाई 2 होगा या वाई माइनस एक्स 2 होगा, ये चीज होगी, इस समीकरण को बी मान लो और इस समीकरण को सी मान लो,
दोनों ही स्थितियों में लेके करना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर दो और अगला हमने ले लिया y माइनस एक्स बराबर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार a और b को हल करना है, एक बार a और c को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण a तथा b से हल करते हैं, इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कटा x और x 2x, 6 और 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 8, x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, x का मान यहाँ रख दो, क्योंकि x प्लस वाई हमारे पास क्या है, 6 है, x का मान 4 रख देंगे, तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने मानी थी ये x था ये y था, तो y हमें मिला है 2 और x मिला है हमें 4। ठीक है, पहली संख्या तो हो जाएगी वो 24, कितनी हो जाएगी, 24। अब हमें दोबारा से हल करना है समीकरण a और c को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण a तथा c से। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, और अगला है x है माइनस का, y है प्लस का, और यह है 2। जोड़ देंगे विपरीत चिन्ह, x और x माइनस का कटा, y और y क्या हो जाएगा, 2y, 6 × 2 = 8, 2 × 8, तो y का मान आ गया 4। ठीक है, y का मान आ गया 4, y का मान समीकरण एक में रख दो, x प्लस वाई हमारे पास कितना है, 6 है, तो y का मान मिला है हमें 4, तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2। अतः संख्या क्या हो जाएगी, पहले आपने y माना है फिर x, y आपको मिला है 4 और x मिला है आपको 2, तो ऐसी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अतः ऐसी संख्या 2 है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कितनी संख्या है ऐसी, 2 है, तो ये प्रश्न भी बन गया आराम से। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में आ जाओ, आयु पर आधारित प्रश्न है 6 नंबर में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, अथवा में प्रश्न है, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु वो हम मान लेते हैं वाई वर्ष। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है, प्रथम शर्त में बोला है 10 वर्ष पश्चात, कितने 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी। अभी x है तो 10 वर्ष बाद 10 हम जोड़ देंगे, अभी मेरी आयु अगर 10 वर्ष होगी, 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 20 जोड़ दोगे, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, अभी सोनू की आयु y है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, 10 हम जोड़ देंगे। ठीक, अर्थात प्रश्न में क्या बोला है कि नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी बड़ी है, नूरी बड़ी है, बड़ी वाले इस तरफ, छोटी वाले इस तरफ, कितनी गुनी हो जाएगी बोला है सोनू की आयु की? देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हवा चल रही है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो मैं द्वितीय श्रद्धा को मैंने पहला लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसको द्वितीय कर देना, ठीक है। तो छोटे वाले में गुणा कर देंगे, तो x प्लस 10 दो से अंदर गुणा करेंगे, 2y 2 ढाई 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, तो x माइनस के 2y क्या हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1 एक्चुअली ये द्वितीय श्रद्धा अनुसार है, जिसको हमने पहला कर दिया, क्योंकि हवा चल रही थी ना तो मेरी नज़र थोड़ी हट गई थी। पहला शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये पहले लिखना, इसको बाद में लिखना, बाकी आंसर तो सेम आएगा ही आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या होता, घटता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। देखो अभी जितनी है, पूर्व मतलब पहले, पहले हम जैसे अभी अभी मेरा आयु कितना है 20 वर्ष मान लेते हैं, तो 2 साल पहले कितनी होगी, 18, घटा देंगे 2, तो अभी x से तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 घटा दोगे, और सोनू की आयु अभी y है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 घटा देंगे, अर्थात क्या है यहां पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी बड़ी है, बड़ी वाली इस तरफ और छोटी वाली इस तरफ, कितनी गुनी बड़ी है, ये 3 गुनी, तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर देंगे और बीच में लगा देंगे बराबर, गुणा करो, ये 3y 3 बचे 15, प्लस का 3y इधर के माइनस का 3y और माइनस के 5 इधर के प्लस का 5, तो x माइनस 3y ये आ जाएगा माइनस की 10। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस का 2y बराबर 10, x माइनस का 3y बराबर माइनस के 10। देखो समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस घटा, 3y में से 2y घटा हुए 1y, प्लस का 10, प्लस का 10, प्लस का 20। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो y है, जो सोनू की आयु होगी वो कितनी होगी, वो 20 वर्ष होगी। y का मान रख दो, चूंकि किसी भी समीकरण में रख दो, पहले बार रख देते हैं, x माइनस 2y बराबर 10 है और y का मान मुझे मिला है 20, तो 2 से गुणा करोगे 40 हो जाएगा, माइनस का 40 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 40, तो ये कितनी होगी, 50 वर्ष। यानी कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 9 से हर साल क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, ठीक है, आ जाते हैं, सारा कर रहे हैं हम, सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। एक बहुमंजिल भवन है, ये हमारा बहुमंजिल भवन है, भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये भवन जमीन पर खड़ा है, ये हमारी जमीन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है और ये बहुमंजिल है। एक बहुमंजिल भवन का शिखर, ये शिखर हुआ, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर और तल
कि जो अवनमन कोण है, तलिए हुआ अवनमन कोण बनाने के लिए मुझे इसके समांतर यहाँ रेखा लेनी पड़ेगी। ये रेखा ले लिया। अवनमन कोण मुझे कितना दे रखा है, वो मुझे दे रखा है पहला है 30, फिर है 45। यहाँ 30 होगा और यहाँ कितना होगा, 45। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है समांतर लिया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या होगा, 8 ही मीटर होगा। ठीक, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अगर बहुमंजिल भवन की मुझे ऊंचाई निकालनी है तो 8 में ये ऊंचाई बस मालूम हो जाए तो बात बन जाएगी, और इसी ऊंचाई को मैं क्या मान लूंगा, एच मान लूंगा। नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, माना ए बी, ए बी को मैंने एच मान लिया। ठीक है, और देखो एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ मिलेगा और एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ मिलेगा, दो समकोण त्रिभुजों को हल करोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 9 जब मैंने पढ़ाया बताया। अब हमें वो भुजा लेनी ही होती है जो दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ये भुजा भी और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। कैसे, क्योंकि जो मान सी डी का होगा वही मान बी ई का भी होगा, है ना। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। यहाँ लिख देता हूँ, माना कि सी डी x है तो इसका मतलब है कि बी ई भी कितना है, x है। क्योंकि इन प्रश्नों में हल करने का नियम क्या होता है कि जो आपको पता है और जो आपको निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। तो पहले आ जाते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, ए बी ई में, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ए बी ई में ये निकालना है और ये दोनों में उभयनिष्ठ इसको लेना ही पड़ेगा। तो ए बी, ए बी बट्टे बी ई, आप जानते होंगे लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है आपका साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसिक सेक कॉट। ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन। तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, थीटा क्या है इसमें, 30 डिग्री। ए बी हमने एच माना है, बी ई हमने एक्स माना है, और टेन 30 का मान होता है 1/10√3। त्रिकोणा करोगे ये हो जाएगा एक्स एक कम एक्स और ये आ जाएगा एच अंडर रूट 3। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया, अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो देखो भाई ये तो लेना ही पड़ेगा और ये हमें निकालना है तो इसको भी लेना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए सी बट्टे सी डी। ठीक है, ए सी बट्टे सी डी में आ जाएंगे, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है, आधार। ठीक है, क्योंकि 90° के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये जब लंब है ये कर्ण है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आधार। और लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा। थीटा कितना है, 45। अब ए सी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 8। तो h प्लस 8 और सी डी को हमने क्या माना है, x। 10 45 का मान 1 होता है। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक तिरछी गुणा कर दो, x एकम x और ये हो जाएगा h प्लस 8 एकम h प्लस 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें h का मान निकालना है। तो इस x के मान को उठाकर यहाँ रख दो, x का मान क्या है, h अंडर रूट 3, ये हमने रख दिया। x का मान क्या है, h अंडर रूट 3। फिर देखो प्लस के h इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के h, h क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, h निकालो उभयनिष्ठ, यहां से बचेगा अंडर रूट 3 h एक कम h। ठीक है, अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ दे तो हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण।
तो फिर चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। अब नीचे दिख रहा होगा a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से घटाएंगे 2, 2 चुको 8, तो जो एच मिलेगा मुझे मिलेगा 4 अंडर रूट 3 और 4 एकम 4। ये अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि आपको बहुमंजिल की ऊंचाई निकालनी है, एच में हमें 8 भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बहु मंजिल की ऊंचाई जो कि होगी h प्लस 8, ठीक है। तो h का मान है हमें मिला है 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 और 8 और जोड़ दोगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और यह 4 अंडर रूट 3 आंसर, ठीक है, इतना मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपने आराम से कर लिया। अब इसके अथवा वाले पार्ट में आ जाओ, इसको भी हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु P से, देखो भूमि बोला है ना, तो भूमि ले लेते हैं, ये हमारा भूमि है और भूमि के एक बिंदु P से, ये P बिंदु हमने ले लिया, भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन है ना, इसके ऊपर एक ध्वज लहराया गया है, ये ध्वज है, ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 है, यहां से इसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, बना दिया चित्र। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस ध्वज दंड की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकाल ले, मान लेते हैं कि ध्वज दंड की जो लंबाई है वो h है यहां से लेकर यहां तक, जो कि हमें निकालनी है, और p से भवन की दूरी भी ज्ञात कीजिए, p से भवन की दूरी, मान लेते हैं p से भवन की दूरी x है जो कि हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, नाम दे दो ये p, इसे बोल दिया q, इसे बोल दिया r और इसे बोल दिया h। प्रश्न पढ़ के चित्र तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको सर ये 90 कैसे बना दिया, हमेशा जो दीवार होती है वो जमीन के साथ 90 अंश के कोण पे ही होती है, अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो गिर जाएगी ना, तो देखो ये आपको निकालना है और ये भी आपको निकालना है, दो समकोण त्रिभुज बने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और ये भुजा दोनों में ही है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज छोटे वाले समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में, ये हमें पता है और ये हमें चाहिए होगा, ठीक है, आर क्यू बट्टे पी क्यू, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास छोटे वाले के लिए 30 डिग्री, आर क्यू हमारे पास प्रश्न में 10 दे रखे हैं, पी क्यू हमने एक्स माना है, ये माना करके लिख देना, माना एस आर, एच ध्वज दंड की लंबाई और पी क्यू हमने एक्स माना है जो कि हमें ज्ञात करना है, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तिरछी गुणा करेंगे एक्स एक कम एक्स और ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, पहला आंसर, यानी कि इस बिंदु पी से भवन की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 10 अंडर रूट 3 होगी। अब आ जाओ बड़े त्रिभुज में, बड़े समकोण त्रिभुज में पी क्यू एच में, ये आपको निकालना है, सिर्फ इतना तो ले नहीं सकते, पूरा लेना पड़ेगा, एस क्यू और बट्टे में क्या जाएगा पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार है, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, और बड़े वाले के लिए कोण कितना है 45, एस क्यू हमारे पास है एच प्लस 10,
और पी क्यू हमारे पास है एक्स। 10 45 का मान एक होता है। देखो किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे, एक ही वही रहता है, तिरछी गुणा हो जाएगी ना, एच प्लस 10 एकम एच प्लस 10 और एक्स एकम एक्स। हमें एच निकालना है, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे मान रख दो 10√3, तो 10 क्या आ जाएगा, ओबनिस्ट 3 माइनस का 1। तो प्रश्न में बोला 3 का मान भी रखो, कितना रखना है 1.732, रखो 1.732 माइनस 1, तो घटाएंगे इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 0.732। 10 से गुणा करेंगे, 10 एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, 7.32 मीटर आ जाएगा आंसर। 10 दंड की लंबाई जो होगी वो 7.32 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि चैप्टर नंबर 13 पे आधारित प्रश्न है, 6 नंबर का आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। कह रहे हैं एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे खुले हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। सिरे की जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये पानी से लबालब भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, हमारे पास एक उल्टे आकार का शंकु है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक। प्रश्न में यह बोला है कि जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की ऊंचाई वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये पूरा लबालब पानी से भरा पड़ा है, पूरा पानी से भरा पड़ा है। इसके अंदर शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है, मान लेते हैं गोला थोड़ा बड़ा बना देते हैं और उसकी जो हमें त्रिज्या दे रखी है, स्मॉल आर मान लो गोले की त्रिज्या, वो हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये पूरा पानी से भरा पड़ा है अभी, तो इसके अंदर जितनी गोलियां डालोगे उतनी ही गोली के बराबर आयतन का पानी बाहर गिरेगा। तो इसमें बोला है कि 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है, ठीक है, जैसे इसमें ये गोली डालते हैं ना तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है, ठीक। तो प्रश्नानुसार मान लेते हैं इसमें कितनी गोली डाली गई है, n गोली डाली, ये मैंने मान लो माना शंकु में n गोली डाली जाती है, ठीक है, इसमें n गोली डाली जाती है, तो जितनी गोली डाली जाएगी उतनी ही गोली के बराबर का पानी बाहर गिरेगा। तो प्रश्नानुसार मतलब n गोली का जो आयतन होगा, n गोली का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, कितना पानी बाहर गिरता है, शंकु का 1/4, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। n गोली का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन का 1/4, चौथाई का मतलब 4 से भाग देना। अच्छा यहां थोड़ा लिख देते हैं, दिया है कर क्या लिख दोगे कि शंकु की त्रिज्या r जो कि है 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है एच बराबर वो है 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर जो कि हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। एन का मान हमें निकालना है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, बट्टे में क्या ऑलरेडी 4 है। देखो
बट्टे में तीन, बट्टे में तीन कटा, पाई है दोनों तरफ कटा, एन का मान निकालना है। तो देखो एन क्या होगा, इधर क्या है ऊपर, आर स्क्वायर एच चार, ये चार गुणे में इधर के बट्टे में हो गया, आर क्यूब गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है जी, अब हम मान निकाल दें, बड़ा वाला आर हमारे पास है पाँच, स्क्वायर है मतलब दो बार गुणे में, एच का मान हमारे पास है आठ, चार गुणा चार स्मॉल आर कितना है 0.5, पावर में तीन है मतलब तीन बार गुणे में आएगा। तो देखो चार दुनी आठ, दो दुनी चार, यहाँ से देखो दशमलव हटाओगे एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ से भी होगी और यहाँ से भी। ठीक है, पाँच दुनी दस, दो से दो कटा, देखो पाँच दुनी दस, पाँच दुनी दस पच्चीस, पाँच पचे पच्चीस और दो दुनी चार, पच्चीस चौके सौ। तो कितनी गोली डाली गई है इसके अंदर, सौ गोली डाली जाती है, तब जाके शंकु के आयतन का चौथाई भाग पानी बाहर गिरता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये भी, आपके प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न है ये भी और ये भी। कह रहे एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन, गोलाकार है कांच का बर्तन, ठीक है, उसके ऊपर एक बेलन लगा पड़ा है, मतलब ये सूरा ही हो गया पूरा। प्रश्न में ये बोल रखा है, अथवा वाला प्रश्न है कि कांच के एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन की जो लंबाई बोले तो ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है, गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये चीज हमको दे रखा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, पानी भरोगे तो पूरा यहाँ तक भरेगा, यानी कि गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन हमें निकालना है। इस मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी, यहाँ वर्ग नहीं होगा घन सेमी होगा। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। बच्चे ने आंसर निकाला 345 जबकि इसका आंसर आएगा 346। बच्चे का आंसर गलत है क्योंकि ये प्रश्न हम इतने सालों से कर रहे हैं ना, हमें तो ये चीज़ें रट चुकी हैं एक तरीके से, ठीक है, एक्सपीरियंस है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है गोले का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या होगा गोले का 8.5 का क्या हो जाएगा आधा। तो थोड़ा और हल कर लेते हैं, पॉइंट हटा दोगे एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 5×20 5×5 5×35 17/4 सेंटीमीटर आ जाएगा गोले की त्रिज्या। उसके बाद बेलन का जो व्यास दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी स्मॉल आर, व्यास की आधी होती है 2×1=2, तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। अतः बर्तन का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, सूत्र में रखिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3
पाई आर क्यूब, और बिलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब सारा खेल है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन के ही 6 नंबर मिलेंगे। पाई का मान बोला 3.4 रखो, और आर हमारे पास क्या है 17/4 बड़ा वाला, 3 बार गुणे में। पाई का मान 3.14, स्मॉल आर का मान 1 है, 1 × 1, और एच का मान है 8। सारा खेल अब यहाँ पे आ गया कैलकुलेशन पे, 1 × 4 से 1 × 4 कट गया। ठीक है, तो ऊपर आ जा रहा है 3.14, 17 × 17 289, फिर गुणे में 17, फिर बट्टे में है 3, और 4 × 16 यहाँ पर है 3.14 गुणे में है 8। तो अब देखो जब आपको गुणा करना है, 289 को जब आप गुणा कर दोगे 17 से, 4 × 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4913, और उसको आपको गुणा करना है 3.14 से। ठीक, और फिर भाग देना 16 × 48, और फिर यहाँ देखिए 3.14 को, 3.14 को जब आप गुणा करोगे ना 8 से, तो आपको मिलेगा 25.12। अब आपको ऊपर फिर से गुणा करना है, 3.14 को जब आप गुणा कर दोगे 4913 से, तो आपको मिलेगा 15426.32, और उसको भाग देना है फिर 48 से। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना ये तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा ना आपको, ये आपको आता होगा। उसके बाद जब इस चीज को भाग दोगे ना 48 से, तो आपको अब आंसर मिलेगा 321.392, और उसमें जोड़ना है आपको 25.12। ठीक है, तो इसमें जोड़ दीजिएगा 321.392, और यहाँ पर है 25.12, जोड़ो 2, 9, 2, 11, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 2, 2 और 2 4, 3, 346.512। देखो दशमलव के इधर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, लेकिन इधर एक भी अंक गड़बड़ होगा तो उस आंसर को गलत माना जाता है। इस बच्चे का आंसर था 345, और जो एक्चुअल कैलकुलेशन करने पे मिला है 346, अतः बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है। और इस तरीके से ये पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।